हम तीनों की तरफ से, हम सब की तरफ से थैंक यू पापा शिवम। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हें पापा कहेगी? ये सोच कर मेरा सर, गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं है, लेकिन पापा के लिए एक मम्मी की तलाश जरूर जा रही है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। पास में। अरे क्या बात है, क्या बात है, वाओ क्या बात। किसी प्रॉब्लम ये है कि जो गाना गाया है, गाया वैसे ही, लेकिन अपने ढंग से गाया तुमने, सबसे बड़ी बात है। ये बात रखो, ठीक है? आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, ऑल द बेस्ट। सबसे अच्छी बात क्या है जी सर, कि उसे गाने को गा रहे हैं, वैसे ही गा रहे हैं, सेम एक ही हरकत, मुर्गियाँ, एक्सप्रेशन सब कर रहे हैं, फिर भी वो जो गा रहे हैं वो लग रहा है कि वो ही गा रहे हैं। पापा क्या बात, ये सबसे बड़ी बात है। आई एम वेरी मच हैप्पी। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। हमारी जान जो है सर, हमारे म्यूजिशंस, हमारे सब सब कमान
ग्रेट। और जजेस और दुनिया, में आपको याद दिला दूं कि ये जो गाने आप सुन रहे हैं ये 43 इयर्स पुराने हैं या नए हैं, जैसा कि आप सोचना चाहते हैं। क्या बात है, क्या 43 इयर्स, और उसके बाद भी आज की जनरेशन इन गानों को सुनती है, इन्हें सेलिब्रेट करती हैं। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और उनके संगीत के लिए एक बार जोरदार तालियां। पापा शिवम जी। यस सर। पूज्य पापा जी, आपने पहला गाना ऐसा गाया कि ऐसे, मतलब आपकी आवाज बिल्कुल ढल गई उसमें। मेघारे 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 मेघारे, जेन्युइनली ऑथेंटिक लगा जो प्यारे भाई कह रहे थे, बहुत खूबसूरत गाया। और सोनाक्षी सेकंड गाने में आप बिल्कुल मतलब शाइन हो गई। ऑफ कोर्स डफली वाले एक ऐसा गाना है जो भी सुनता है उसको लगता है कि मैं गा सकती हूँ, लेकिन एक्चुअली गाने में कलाकारी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग। इस गाने को अच्छे से निभा लेना कोई आसान बात नहीं है। सो कांग्रेचुलेशंस, यू गाइस मेक अस वेरी प्राउड। बहुत अच्छा गाया आपने। आदि भैया, मैं प्यारेलाल सर से बस एक ही सवाल पूछना चाहूंगा। हाल ही में एक दो महीने पहले आपने US टूर किया था। इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई, तो गाओ हो शांति। इस एज में भी आप इतना एक्टिव कैसे रहते हैं, मतलब आपकी फिटनेस का राज क्या है? नहीं सुनिए, संगीत ऐसी चीज़ है, इसमें कुछ मतलब आप जब संगीत में जाते हैं आप सब भूल जाते हैं। संगीत ऐसा नहीं कि आप कल गा रहे हैं, अभी डफली वाले डफली बजा जी, डफली वाले डफली बजा ये बोल तो दिया आपने, अब गा के बताइए आप। डफली वाले डफली बजा, अभी इसमें क्या मेन चीज क्या है, डफली डफली समझे, अभी डफली कदब हुए डफली वाई, अब अभी डफली के फ जो है वो बहुत क्लियर आना चाहिए उठ के, वन टू वन। डफली वाले वाले, डफली बजा डफली बजा, वन टू थ्री फोर वन टू, डफली वाले डफली बजा। जब मैं बोलता हूँ डफली बजा तो आपका आवाज आता नहीं है, डफली वाले डफली बजा। ये मेरे मैं नाचूं तू आप समझे ना, दिस इज टीम वर्क। अरे आप गाए नहीं रहे हैं, हमने कंपोज किया, बख्शी साहब ने लिखा है और ये बजा रहे हैं और एक चीज और पब्लिक उसको एंजॉय कर रही है। अगर आपको वक्त मिले कभी जरूर घर पे आइए आप। I'll be happy. क्या बात है, रियली मींस अ लॉट सर, थैंक यू। एकदम सोनाक्षी, इससे बड़ी ब्लेसिंग आपको मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं, थैंक यू। अयोध्या से निकले श्री रामचंद्र जी ने असुरों का वध करके लोगों के दिलों पर राज किया। आज 7000 साल बाद एक सुरों का धनुर्धारी निकला है उसी अयोध्या से, जो बेसुरों को मात देकर लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, और डेफिनेटली जो बन चुका है द नेक्स्ट बिग थिंग, ऋषि सिंह। और साथ वो हर काम जो परफेक्शन से करती विदिता चक्रवर्ती। ऋषि, मैं आपकी एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जी सर। वैसे तो ऋषि ने अपनी परफॉर्मेंसेस से पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है, पूरी दुनिया अब इनको पसंद करती है। एक ऐसे बहुत ही खास शख्स हैं जिन्होंने ऋषि की परफॉर्मेंसेस को देखा, सुना और उन्हें पर्सनली मैसेज भी किया। अरे क्या बात है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आप खुद देख लीजिए।
द विराट। क्या बात है, विराट कोहली। हमारे देश की संख्या करीब करीब 140 करोड़ है, जिसमें से हमारे जो वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर विराट कोहली हैं 255 लोगों को फॉलो करते हैं, जिसमें से एक हैं हमारे ऋषि सिंह। ओ माय गॉड, इनक्रेडिबल। कभी सोचा नहीं था कि मतलब विश्वास नहीं हो रहा था मुझे कि क्या सच में ऐसे आया, क्योंकि फेक अकाउंट्स भी आजकल बहुत होते हैं जी, बिल्कुल। तो कहीं उनके अकाउंट से मैसेज आया हो ऐसा कुछ हो, मैं को भरोसा करने में टाइम लग गया था, पर बहुत अच्छा लगा कि उनका एप्रिसिएशन मुझे मिला और इतने बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है सर। इट्स इनक्रेडिबल यार ऋषि, एंड वी आर सो सो प्राउड ऑफ यू। जेन्युइनली हम सब खुश हो गए हैं। तो चलिए विदिप्ता, ऋषि, एक जबरदस्त परफॉर्मेंस हो जाए जी सर, बिल्कुल, जोरदार ताली। ऑल द बेस्ट। प्यार
सबसे बड़ी बात यह हुई, सबसे कमाल हुआ, मैं आपको देखते देखते भूल गया, इधर देखने लगा, वो जो आलसी हैं वो हिल रही थी। क्या कैसे कैसे क्या बात ऐसी हुई, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। वो रियली पीपल हैव डन ग्रेट जॉब, एक्सीलेंट, दोनों ने कमाल गाया और उनको तो हीरोइन भी बनने के जैसे कुछ चांस लग रहा है। क्या बात है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।